एक्सपेरिमेंटल स्कूल ना भूतपूर्व विद्यार्थी द्वारा शाला ने 7 लाख जेटलू अनुदान करवामां आव्युं हतुं। शाला ना एल्युमिनाई द्वारा शाला ने 7 लाख जेटलू अनुदान करवामां आव्युं छे, जेमां शाला ने कम्प्यूटर लैब आरओ वॉटर प्लांट वगैरह की सुविधा करी आपवामां आवी छे। आवनारा समय में भूतपूर्व विद्यार्थी द्वारा आ लैब में एसी पण लगावी आपवामां आवशे। हाल में कम्प्यूटर लैब में 30 जेटला कम्प्यूटर मुकवामां आवेल छे, तदुपरांत जरूरी तमाम सुविधा पूरी पाड़वामां आवशे। आ भूतपूर्व विद्यार्थी वर्ष 1972 थी 1976 समयगाळा दरमियान शाळा में अभ्यास कर्यो हतो। आ कम्प्यूटर लैब नुं उद्घाटन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी चांसेलर राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ तथा वाइस चांसेलर डॉक्टर विजयकुमार श्रीवास्तव हस्ते करवामां आव्युं हतुं। हमारे विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी तो बहुत बहुत अच्छे स्थान में आजकल सेटल्ड हैं, पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में भी और गुजरात में भी। तो मैं सभी को मेरे तरफ से अपील करती हूँ कि आप ज़रूर अपने फैकल्टी को, अपने यूनिवर्सिटी को याद करिए और जो भी आप योगदान दे के यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ज़्यादा अच्छा बना सकें, उसके लिए आप लोगों का योगदान रहेगा तो ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और इस प्रयत्न से एक संबंध रहेगा हमारे एलुमनाई के साथ में, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ऑल्सो और विश्वविद्यालय के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशी की बात रहेगी। और विश्वविद्यालय को हम एक पूरा मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर युक्त विश्वविद्यालय बना सके, यही हमारी प्रयत्न रहेगा। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का जो एक भाग रूप है एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही जाना माना स्कूल रहा है अपने एक तक समय में। मेरे ज्वाइनिंग के बाद मैंने ये सेकेंड विजिट है। मैंने सारे फर्स्ट विजिट में आकर के जो जो कमियां देखी उसके फलस्वरूप मैंने कई लोगों से अपील की कि भाई हम लोग कैसे इस स्कूल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ के जो पुरातन छात्र हैं, यहाँ के जो एलुमनाइज हैं, उन्होंने भी इस अपील को स्वीकारा और उस अपील के तहत उन लोगों ने किस तरह से सहयोग करें, तो पहला प्रपोजल स्कूल की तरफ से जो आया वो एक कंप्यूटर लैब का आया, जिसको कि आज हम लोगों ने 30 कंप्यूटर की एक लैब तैयार किया है। जो यहाँ के पढ़े हुए पूर्व विद्यार्थी हैं, काफ़ी समय पहले 1972 के बैच में पढ़े हुए हैं, जिनको लगभग 50 साल पूरे हो रहे हैं, उन लोगों ने ये काम का शुभारंभ किया है। मैं इसको एक बिगनिंग के रूप में देख रहा हूँ, आज इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि इस स्कूल ने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, किसी भी फील्ड में देखिए ऐसे ऐसे व्यक्तित्व प्रदान किए हैं। तो आने वाले समय में मेरी इस अपील को और भी लोग स्वीकार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योगदान अपना, जो भी समाज के प्रति उनका दायित्व है। 3 तरह के ऋण की बात हमारे वेद पुराण में भी कही गई है, माता पिता का ऋण होता है और तीसरा जो ऋण होता है हमारे गुरु का ऋण होता है। तो वो अपने गुरु का जो ऋण है, जिसकी वजह से आज वो एक सफल डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट हुए, उस ऋण को चुकता करने के लिए वो निश्चित तौर पर आगे आएंगे और इस स्कूल का जो भविष्य है उसको मैं एक स्वर्णिम भविष्य के रूप में देख रहा हूँ। मेरी साइड से जो भी सहयोग चाहिए पड़ेगा, हमने आज आश्वासन दिया है कि हम वो पूरा सहयोग करेंगे और यूनिवर्सिटी के तरफ से जो भी सहयोग है, इंडिविजुअल्स की तरफ से जो भी सहयोग है, आने वाले दिनों में आप सभी मीडिया मित्रों के माध्यम से भी मैं ये अपील करूँगा, क्योंकि आप लोग भी इस स्कूल के प्रोडक्ट हैं, MSU के प्रोडक्ट हैं। आगे आने वाले दिनों में इस स्कूल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपकी साइड से भी जो भी सकारात्मक प्रयास हो सकते हैं, उन सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से हम लोग इस स्कूल को बड़ौदा का नंबर 1 स्कूल के रूप में देखना चाहते हैं पहले फेज में, और दूसरे फेज में हम इसको गुजरात का नंबर 1 स्कूल के रूप में देखना चाहते हैं। वाला 1972 बैचनो विद्यार्थी हतो, अमारा स्कूल माथी निकल्या ने 50 वर्ष पूरा थया, ते माटे मने एक विचार आवेलो कि आपणे स्कूले तो अमने घणुं बधुं आप्युं, एनुं ऋण चूकवानो आ मुको छे। तो मैं ये विचार मारा दोस्तों ने, मारा क्लासमेट ने कह्यो, तो ए लोकोए तरत एने वधावी लीधो ने कह्युं के तमे गो अहेड, अमे NRI ने बधा एना लोकल भी जे विद्यार्थीओ छे ते बधा तमने मदद करी दो। तो लोकोए फाइनान्शियली अमने मदद करी ने 10 दिवसनी अंदर 7 लाख रुपया जेवा मने भेगा करीने आप्या, जेना परिणाम रूपे अमे लोको प्रिंसिपलने मळीने पूछ्युं के तमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, तमारी कंई जरूर होय तो अमने जणावो, अमे एमांथी तमने आपीए। तो अत्यारे ए लोकोए अमने जे कह्युं ते प्रमाणे अमने 30 कॉम्प्यूटर, 2 प्रिंटर्स, एम्प्लीफायर्स, वो आरओ प्लांट ए लोकोने क्लियर करीने आप्यो,
પ્લસ હવે ફ્યુચરમાં અમારો વિચાર એવો છે કે આ રૂમને અમે લોકો એરકન્ડિશન કરી આપીએ, જેને લીધે કોમ્પ્યુટરની મેન્ટેનન્સ બી ઓછું થઈ જાય, વિદ્યાર્થીઓને બી સારું હવામાન મળે, તેને એ લોકોને વધુ આગળ ભણવાની ઈચ્છા થાય. ને મારો તો એવું છે કે જો અમારાથી અમારા કરેલા પ્રયત્નમાંથી બે ત્રણ બી સારા વિદ્યાર્થીઓ નીકળે તો અમારું બધું કરેલું પ્રયત્ન સફળ થાય. ને એ લોકોને હું આશીષ એ આપું છું વિદ્યાર્થીઓને ને પ્રિન્સિપાલ સાહેબને ને યુનિવર્સિટીની સત્તાને કે તમને જ્યારે બી કંઈ ફાઇનાન્શિયલ જરૂર હોય તો તરત અમારો કોન્ટેક્ટ કરજો, અમે તરત તમને એના માટે મદદ કરીશું ને સારી રીતે સ્કૂલને આપણે આગળ લાવીએ. જે અમારું અમારી વખતે જે ગૌરવ હતું સ્કૂલનું તેને પાછું લાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. કારણ કે 72 બેચની અંદર તમે નહીં બિલીવ કરશો પણ ગુજરાતમાં 1-10 જે વિદ્યાર્થી હોય છે ઉત્તીર્ણ થાય તેમાંથી 3 વિદ્યાર્થી અમારા 72 બેચમાં થયેલા હતા. એટલે બહુ મોટી સિદ્ધિ છે કે એક જ સ્કૂલના 35 ક્લાસની અંદરથી 3 SSC બોર્ડની અંદર 1-10 આવે. 35માંથી 8 તો ડૉક્ટર થયા, જે લોકો નામાંકિત ડૉક્ટર થઈને સ્કૂલનું નામ રોશન કરેલું છે, 6 એન્જિનિયર થયા, 3 ઉદ્યોગપતિઓ છે. એ રીતે અમે લોકો ઘણા બધા આગળ આવ્યા. એટલે અમારું એવું હતું કે ભાઈ સ્કૂલનું બેઝિક અમને નોલેજ ને સ્કૂલની અમને જે સંસ્કાર મળેલા તેનું અમે ઋણ અદા કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહેલા છીએ.